बिग बॉस सीजन 16 में इस बार ऐसे कॉन्टेस्टेंट आए हैं जो कि फैंस को कहीं पसंद भी आ रहे हैं तो कहीं फैंस उन्हें ट्रोल भी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक कॉन्टेस्टेंट है जिनकी हर हरकत और हर एक्टिविटी फैंस का दिल खुश कर देती है और बिग बॉस देखने पर मजबूर करती है। जी हाँ, आपने सही गैस किया, ये नाम है अब्दुल रोजिक का। महज 19 साल के अब्दुल रोजिक बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट से ज्यादा अच्छा कंटेंट टीवी पर शेयर कर रहे हैं और हमेशा एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट करते नजर आते हैं। वेल, जब भी व्यूअर्स अब्दुल से जुड़ी कोई भी खबर पढ़ते हैं या कोई भी वीडियो क्लिप देखते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इवन अब्दुल के तो फैन पेजेस भी बन चुके हैं। लेकिन आपको क्या पता है अब्दुल बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद क्या करने वाले हैं? वेल, अब्दुल ने निमरत को बताया है कि वो बिग बॉस से निकलने के बाद स्कूल जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आती है और लिखनी तो बिल्कुल भी नहीं आती। अब्दुल कहते नजर आते हैं कि पहले मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए और सीखना चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए, तब मुझे लगता था कि मैं किन से ही इंग्लिश में बात करूंगा। लेकिन अब यहाँ आने के बाद लग रहा है कि इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बिग बॉस से निकलने के बाद मैं इंग्लिश की क्लासेस जाऊंगा। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।